हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और अनबॉक्सिंग में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग भी अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बैक कवर लेने के लिए सोच रहे हो तो आज की इस अनबॉक्सिंग वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि जिस बैक कवर को मैंने बाय किया हुआ है, ज़्यादातर सारे मॉडल्स के लिए ये इस बैक कवर अवेलेबल है, तो आप लोग आसानी से बाय भी कर सकते। बिना टाइम वेस्ट किए करते इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या ये केस आप लोगों के लिए बेस्ट है या फिर नहीं। 6 प्रो का केस कवर, चलिए करते हैं पहले से इसकी अनबॉक्सिंग। अगर प्राइस की बात करी जाए तो मैंने इसको 152 के प्राइस में बाय किया, जो कि 152 रुपए के प्राइस में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बैक कवर इसको कह सकते हैं। बाकी खोलने के बाद पता करते देखते हैं कि कैसा है ये कवर। इसके बॉक्स को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और ये है हमारा बॉक्स, केस कवर का मेन बॉक्स मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ओके, तो ये बॉक्स का मेन बॉक्स कवर है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। और ये हमारा फ़ोन और ये हमारा मेन केस है, जो कि Realme 6 Pro मॉडल का है। अगर आप लोग अदर मॉडल का भी बाय करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। मैं लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं केस कवर Realme 6 Pro, चलिए तो इसके अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो मुझको ऐसा लग रहा है यहाँ से तो ये डबल पार्ट में है ये शायद केस कवर। अगर इसको यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये एक रबड़ वाला पार्ट है, ये भी आराम से निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा टाइट है। ओके, तो ये दो पार्ट में ये इस केस कवर को बनाया गया है। अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो ये एक हार्ड प्लास्टिक में बना हुआ है, साथ में आप ऐसे रख देता हूँ। और दूसरा ये है फ़ोन की दो पार्ट में आपको केस देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं इसको फिर से अंदर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने फाइनली केस को पूरी तरह से पैक कर दिया और अब देखते हैं स्मार्टफोन में लगा कर कि फ़ोन का लुक कैसा देखने में आता है। चलिए जल्दी से मैं इसको यहाँ से फिट कर देता हूँ। अगर इन हैंड फील की बात करी जाए, इन हैंड फील की अगर बात करी जाए तो हाँ, फ़ोन थोड़ा सा हैवी ज़रूर लग रहा है पहले की अपेक्षा। अब अगर देखा जाए तो केस लगाने के बाद थोड़ा सा हैवी, पर हाँ, जैसे कि अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग बैक कवर लेने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा फ़ोन हैवी ज़रूर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात मुझे इस केस की लगी जो है इसकी एक ऊपर का बॉर्डर, जो कि स्क्रीन के ऊपर तो आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का सा एक बॉर्डर दिया गया। अगर आपका फ़ोन स्क्रीन के जैसे नीचे गिरता है तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगी आपकी स्क्रीन को लेकर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा केसों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। बाकी साइड के लिए आप लोगों को ये हार्ड मटेरियल देखने को जरूर मिल जाता, जो कि साइड के चारों कोनों में काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है। पीछे के लिए आप लोगों को एक रिंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। पर्सनल ओपिनियन, आपको जैसा फील होता है वो आपकी बात है। बाकी एक इनके स्मार्टफोन के अगर कटआउट की बात करी जाए तो साफ देख सकते हैं आप, आसानी से फिंगरप्रिंट लॉक अनलॉक हो जा रहा है। और उसके बाद नीचे के अगर कटआउट की बात करी जाए तो वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। जहाँ स्पीकर ग्रिल है वहाँ पर आप लोगों को अच्छा कटआउट देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट का देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का देखने को मिल जाता है। बाकी वॉल्यूम के लिए भी आप लोगों को अप डाउन दोनों ही बटन देखने को मिल जाते हैं। मैं भी आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और सेकेंडरी माइक के लिए भी आप लोगों को एक होल देखने को मिल जाता है, जो कि 152 के प्राइस में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बैक कवर हो सकता है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बैक कवर लेने के लिए सोच रहे हो। बाकी ऐसे ही सेम लुक के कवर आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट में और देखने को मिल जाएंगे, पर उसका प्राइस 250, 260, 270 ऐसे ज़्यादा निकल जाता है। पर इस केस कवर का प्राइस 152 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझको ये केस कवर मिला और मैंने सोचा क्यों ना इसको मंगा कर आप लोगों का एक हैंड फील की एहसास दिलाया जाए कि कैसा है ये बैक कवर। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से बाय कर सकते हैं। बाकी पर्सनली 152 के प्राइस में मुझे ये केस कवर काफी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।